इस वीडियो से आपको हानि नहीं हो सकती। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बताइए कि होली के गानों का अगर जब जिक्र आता है, होली का मौके का जब जिक्र आता है, तो कौन सा गाना आपको याद आता है ये बताइए। सर देखिए होली के गाने में तो जब से हम जब से गा रहे हैं तब से मेरा ही आता है। पैसे के लिए मैं हमेशा काम किया था पहले, लेकिन अब कोशिश ये रहती है कि कुछ अच्छा अपने समाज के लिए करके आदमी जाए। अच्छा अच्छा है, मतलब सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ, सच पूछिए तो अपने जीवन में जितने भी आपदा आती है मैं उससे भागता नहीं। अगर खुशी में मैं हंसता हूँ तो मुझे लगता है कि जब दुख की घड़ी भी आए ना तो और हंसी को तेज कर दो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। क्योंकि दुख सुख ही है जो आपको सिखाता है और निकलना भी सिखाता है। तो हमारे ऊपर करोड़ों का आशीर्वाद और प्यार है, मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब कर सकता है। अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। कि मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए क्योंकि करोड़ों जनता और भगवान सुरभी जनता का प्यार मेरे ऊपर है। ये मेरा अहंकार नहीं, ये घमंड है अपने जनता के लिए। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन। कि उन्होंने इतनी मोहब्बत दी मुझे, एक भैंस चराने वाला, एक लिट्टी बेचने वाला, दूध बेचने वाला अनपढ़ है आदमी। मैं मैट्रिक सेकंड डिवीजन से पास किया, वो भी ठेल ठाल के। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नौ लड़ने के चलते चर्चाओं में है। यहाँ पर हम मिले एक भोजपुरी सुपरस्टार से। सर स्टार बोलना चाहिए कि सुपरस्टार? कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं भी बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। भोजपुरी में सानिया मिर्जा भी इतने गाने क्यों बनते हैं? उनकी नथुनिया और पता नहीं क्या, उनकी शादी हो गई, बहुत सारे गाने मतलब गूगल पे। खूबसूरत चीज को कौन छेड़ना नहीं चाहता। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपने कोई गाना सानिया मिर्जा? हाँ गाया था एक बार, इसलिए 3 दिन जेल था मैं। आप बप्पी लहरी से इंस्पायर्ड हैं, इतनी सारी सोनी की चेन पहन रखी है। नहीं मेरे ससुर जी नहीं दिए थे ना, इसलिए उनके गुस्से में पहनता हूँ। गजब बेइज्जती है, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हम जिस स्कूल से पढ़े हैं ना, उसमें पहले लाठी धराया जाता है। वहाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बस हमें अच्छे काम करने की जरूरत है, सलीनता के साथ जीने की जरूरत है, लोगों को सम्मान करने की जरूरत है हमें, तो वो हमें आता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और ये भी मैंने लोगों से ही सीखा है। और ज्ञान का कोई किताब नहीं होता है, ज्ञान तो आप सबसे मिलता है, बुजुर्गों से मिलता है, समाज से मिलता है। पूछिए। आप इंग्लिश भी बोलते हैं? हाँ, या यस नो वेरी गुड। आप आराम से खाइए, लेकिन आपको अब मेरे सवालों का जवाब देना है। तैयार है आप? अच्छा ठीक है। अभी किसी को-स्टार के साथ दोस्ती से ज्यादा कुछ? किसी अभिनेत्री के साथ? तो बा पाप है। हाँ एक दो लड़कियों से राखी बनवाया हूँ मैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप एक सुपरस्टार हैं और आप देखते हैं कि इस घर में इतने लोगों का टाका भिड़ा है, तो अगर घर में किसी ने आप में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई तो रोमांस का चांस है? मैं खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप? नो उनके खुशी के लिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये स्लीट है ये लोडा, समझ रहे हो, समझ रहे हो, बहुत तेज हो रहा है। खेसारी जी क्या हॉट लग रहे हैं आज। ये कॉम्प्लीमेंट ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ना ये बहुत चिरकुटा सा लग रहा है। OMG, मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो बवाल हो गया है, अच्छी चीज को अच्छा ही बोलेंगे। क्योंकि तुम आज तक बात नहीं करती थी और अब तुम सीटियां मार रही हो, तो मतलब अच्छे तरीके से लेना चाहिए ना इनको। अच्छे तरीके से लेता मैं अगर शादीशुदा नहीं होता तो। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। टपा टप टपा टप टपा टप, मालूम ना
तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पहनने जाना है। बाय।